हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। आज से गाइस हम साइंस एंड टेक शुरू कर रहे हैं पीटी 365 में। तो जो भी साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहा है आपके लिए, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एज़ पर योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन प्रीलिम्स के लिए, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले ना बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है। इसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी की बात की गई है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है? देखो, डीएनए जो होते हैं ना, सभी ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, उसको ऑल्टर करना या उसको डायरेक्टली मैनिपुलेट करना, उसमें प्लांट बैक्टीरिया डालना, एनिमल डालना, ताकि ना उसके डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स आ जाएं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जीएम टेक्नोलॉजी। अब क्या जीएम टेक्नोलॉजी को करने के लिए कुछ अप्रोचेज होती हैं? हाँ जी, बिल्कुल होती हैं। जीनोम एडिटिंग करते हैं हम उसके लिए। जीनोम एडिटिंग में क्या होता है? क्रिस्पर Cas9 होता है, यानी कि क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट एसोसिएटेड प्रोटीन है, इससे जीनोम एडिटिंग की जाती है। टेक्निक्स हैं, ये टूल्स हैं। क्या इससे रिलेटेड लॉज भी हैं? बिल्कुल हैं जी, क्योंकि एथिकल कंसर्न्स ना आ जाएं। वो सब कैसे होता है वो हम आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करते रहेंगे। आप याद रखो, ये सारे एक्ट्स बने हुए हैं, लाइक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2006, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1947, सीड एक्ट लाइक दिस, ऐसे आपके कई सारे एक्ट्स यहाँ पर लॉज आपके दिए हुए हैं। उसके बाद आता है जीनोम एडिटिंग के बारे में। जीनोम एडिटिंग में हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हेडक्वार्टर किया हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर, और इसमें एक तरह का अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। नोडल एजेंसी जो है इसकी रिसर्च इन लाइफ साइंसेस को सपोर्ट करती है और लार्ज स्केल यूज़ करती है, प्रमोट करती है बायोटेक्नोलॉजी में। ये सपोर्ट करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, बायोलॉजी को मैन्युफैक्चर करना, ठीक है, ये सारे काम है इसके। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में ना कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, ताकि सेफ्टी असेसमेंट के साथ जो हो ना आपके जीनोम एडिटिंग प्लांट्स में सेफ्टी के तरीके से हो। तो गाइडलाइंस में ना एग्जेम्प्ट किया गया, क्या एग्जेम्प्ट करा गया, क्या छोड़ा गया? जीनोम एडिटिंग प्लांट फॉलिंग अंडर जो आपके SDN1 यानी कि साइट डायरेक्टिंग न्यूक्लियस हैं, SDN2 हैं, उनको मैन्युफैक्चर, यूज़ और इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट थोड़े से रोका गया है, ठीक है, समझ गए आप? ये ध्यान रखना इस बात को। अब आगे चलो, और क्या दे रखा है इसमें ना, कुछ अर्लियर एग्जेम्पशंस भी दे रखी थी, उनको भी बोला हुआ है टू अवेल अ लॉन्ग प्रोसेस फॉर अप्रूवल। तो बीटी कॉटन याद रखना एक जीएम क्रॉप है। क्या है? जीएम क्रॉप है। इसको बैसिलस थुरिंगस जाइसिस से किया जाता है, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके इसको पेस्ट अटैक से। तो ओनली जीएम क्रॉप है जो कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए क्या की गई थी, अप्रूव की गई थी 2002 इंडिया में। अब गाइडलाइंस पर आ जाओ, क्या क्या गाइडलाइंस है? देखो, पहली गाइडलाइन है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, साइंटिफिक गाइडेंस देना डेटा रिक्वायरमेंट के लिए। सेकंड है स्कोप ऑफ गाइडलाइंस को बढ़ाना, यानी कि जो भी आपके लिमिटेड प्लांट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं उसके, उसको जीनोम एडिटिंग टेक्निक से ही इस्तेमाल करना, ठीक है, उसमें साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस का इस्तेमाल करना। ये सब नोटिफाई कौन करेगा? तो आपकी मिनिस्ट्री है ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एग्जेम्पशन क्या है? तो रिसर्चर हु यूज जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी, ताकि आपका मॉडिफाई हो पाए प्लांट जीनोम, इसके लिए करा गया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, एडवांटेजेस भी मिलते हैं कुछ जीएम क्रॉप्स को, और साथ ही साथ कुछ कंसर्न एरियाज भी हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? कि प्रोडक्टिविटी इन्हांस करता है, फूड सिक्योरिटी में मदद करता है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इन्हांस करता है, सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। कंसर्न एरिया क्या है? कि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है, जेनेटिक का कॉन्टेमिनेट हो जाना, इकोनॉमिक यानी कि फॉल्स क्लेम अबाउट यील्ड, बायोसेफ्टी से रिलेटेड दिक्कत है, एक्सेसिव कॉर्पोरेट डोमिनेंस, एथिकल क्राइसिस भी है यहाँ पर। तो सिग्निफिकेंस क्या है गाइडलाइंस में? तो एक्सेलरेट करना जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप, फार्मर की इनकम बढ़ाना, रोड मैप फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ जेनेटिक जीनोम एडिटिंग, उसके बाद ना हैजार्ड और ये सारे रिसोर्सेज को इंपोर्ट करना, स्टोरेज करना, इन सब को मैन्युफैक्चर में लगाया गया। अब समस्या ये आती है कि आपको समझना ये पड़ेगा कि जीएम क्रॉप्स होती क्या है, ठीक है। जीएम क्रॉप्स में सीधा सीधा याद रखना, हम ना जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं किसी प्लांट को, किसी टिश्यू कल्चर को, उसमें हम नया तरह का डीएनए इनहेरिट करा रहे हैं, समझ गए? आईकार यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च साइंस बेस्ड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है। तो नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन फंक्शनल जीनोमिक्स एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्रॉप्स को लॉन्च किया गया था बाय आईकार इन 2005 में। बहुत सारी बॉडीज भी हैं जो जीएम क्रॉप रेगुलेशन के लिए काम करती हैं। क्या क्या है? एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी है, ये मॉनिटर करती है बायोटेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट को। इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी है, लो रिस्क एक्सपेरिमेंट्स को अप्रूव करती है।
तीसरा क्या, रिव्यू करना कमिटी को ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन से रिलेटेड, ठीक है। ये सब काम इसके जीएम क्रॉप रेगुलेशन के लिए करे जाते हैं। इसके साथ साथ तुम्हें एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि स्टेट लेवल पर भी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कमेटी है, और जी एक के बारे में पता होना चाहिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी कैसी बॉडी, हेडक्वार्टर इसके अंदर न्यू दिल्ली के अंदर ही है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर काम कर रही है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिकॉम्बिनेंट्स का इस्तेमाल करना, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करना, ठीक है। और याद रखना इसमें जो एक्शंस लिए जाते हैं वो ईपीए में है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में है। ये हमें ज़रूर ध्यान में रखना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के अंदर ये आता है। इससे रिलेटेड एक छोटी सी टर्म और याद रखो, बायो इकॉनमी। बायो इकॉनमी क्या होती है, ऐसी इकॉनमी जहाँ पर आप मटेरियल, बिल्डिंग, केमिकल, एनर्जी को कहाँ से लेते हो, बायो। बायो का मतलब क्या है, लिविंग। लिविंग मतलब क्या, जो चीज़ बायोलॉजिकली डिराइव हो पाए, रिन्यू हो पाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, बायो इकॉनमी, ठीक है। तो ये आपको सारी बातें जो मैंने आपको बोली हैं वो ज़रूर ज़रूर से याद रखनी है। याद रखोगे, चलो जी आगे बढ़ते हैं। हम आगे चलोगे तो मिलेगा आपको साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस एसडीएन टेक्नोलॉजी के बारे में, है ना। इसकी टेक्निक्स भी समझ लो। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है हमारे यहाँ, वो गाइडलाइंस भी रिवाइज करता है प्लांट और उसके प्रोडक्ट के लिए, कैसे उसमें जीनोम एडिटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है। समझने की बात यह है, एसएसएन है क्या, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस होता क्या है, या इसी को हम सीक्वेंस स्पेसिफिक न्यूक्लियस भी कहते हैं। इसका मतलब है डीएनए को क्लीव की प्रैक्टिस करना, उसमें अफेक्ट देना, सबसिक्वेंट जीनोम एडिटिंग करना। इसका मतलब क्या है, जो टारगेटेड डीएनए ब्रेक करने का है ना, एडवांटेज लेना वहां से, होस्ट नेचुरल प्रिपेयर मैकेनिज्म चलाना, ये सारे काम, मतलब समझ रहे हो, एक तरह का टूल है जो चेंजेस लेकर आ रहा है, नया तरह का डीएनए निकालेगा। तो इसी के लिए टेक्निक्स हैं, एसडीएन 1 है, 2 है, 3 है। एसडीएन 1 में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड प्रोड्यूस किया जाता है, ब्रेक किया जाएगा जीनोम प्लांट को बिना फॉरेन डीएनए ऐड करे हुए। यहाँ पर क्या होता है, सेकंड वाले में यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड जो प्रोड्यूस ब्रेक है ना, उसको प्रोड्यूस किया जाता है, फिर व्हाइल द ब्रेक इज रिपेयर्ड बाय द सेल, फिर स्मॉल न्यूक्लियोटाइड टेम्पलेट को सप्लाई किया जाता है। थर्ड में क्या होता है, टू इंड्यूस डबल स्टैंडर्ड ब्रेक इन द डीएनए बट अकम्पेंड बाय टेम्पलेट कंटेनिंग अ जीन वगैरह इसके अंदर होता है। मेन टेक्नोलॉजी आप जानते ही हो, जिंक फिंगर न्यूक्लियस होता है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर, ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अब डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एडिट, तीन तरह की कैटेगरीज हैं आपकी, एसडीएन 1, एसडीएन 2, एसडीएन 3। एसडीएन 1, एसडीएन 2 में कोई भी एलियन जेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व नहीं होता है। एसडीएन 3 में क्या होता है, जीन फॉरेन ओरिजिन का इन्वॉल्व होता है। तो हमें ये दोनों बातें याद रखनी है। उसके बाद आता है क्रिस्पर CS9 के बारे में करते हैं हम। तो देखो 10 साल हो चुके हैं किस चीज़ को, सिंस माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो थे ना, इम्यूनल कारपेंटियर एंड बायोकेमिस्ट जो थे जेनिफर, उन्होंने ना रिसर्च किया था, फिर क्रिस्पर CS9 जेनेटिंग अवार्ड में मिला, नोबेल प्राइज मिला 2022, दोनों को अवार्ड में मिला। अब इससे जुड़े ना टर्म जरूर याद रखो आप। डीएनए का मतलब क्या है, डियोडॉक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, हेरिडिटरी मटेरियल है। आरएनए में रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। जीन्स क्या होता है, डीएनए का स्पेसिफिक सेक्शन को बोलते हैं हम। जीनोम क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का जो सेट ऑफ डीएनए, इसमें सारे क्रोमोसोम्स भरे होते हैं। तो मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या होते हैं, जिसमें कटआउट करते हो आप अनवांटेड डीएनए को, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी इसको कहते हैं। तो ये सारे टर्म्स का पता होना चाहिए। अब क्रिस्पर 9 और समझ लो। देखो क्या है, जेनेटिक कोड होता है जो कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरिया में। कैसे फॉर्म होगा, बैक्टोफेजिस की वजह से होगा, मतलब बैक्टीरिया का इस्तेमाल करा जा रहा है हर स्पेसिफिक वायरस को जो भी अटैक वगैरह करेगा, ताकि डीएनए अपने उसको इनकॉर्पोरेट कर पाए। इससे बैक्टीरिया क्या होगा, प्रोटेक्शन करेगा, वरना स्पेसिफिक वायरस अटैक करेगा ना दोबारा से डीएनए में, तो वो बैक्टीरिया आपको मदद कर देगा। तो दिस इज हाउ द टेक्नोलॉजी इज वर्क, कैसे करती है समझ लो, वर्किंग इसकी मैं यही समझा देती हूँ। तीन की एलिमेंट होते हैं गाइस, देखो क्रिस्पर CS9 के क्या क्या होते हैं, गाइड आरएनए, CS9 और डीएनए। गाइड आरएनए का मतलब एक आरएनए का पीस लिया जाएगा और जो टारगेटेड जीन में ना वहीं लोकेट कर दिया जाएगा उसको, उसी को ना ये करा कहाँ जाता है, लैब में किया जाता है, कहीं ऐसे नहीं खड़े होकर कर दिया आपने। फिर CS9 में सीजर का इस्तेमाल किया जाता है और अनडिजायर्ड डीएनए को वहाँ से काट दिया जाता है। फिर डीएनए जो डिजायर्ड पीस है उसको वहाँ ब्रेक हुआ वहीं पर इंसर्ट कर दोगे आप। अब एथिकल चैलेंज यही है कि अगर आप डिजाइनर बेबी बनाने लग गए, या एक लॉजिकल इम्पैक्ट आ सकता है कि आप नेगेटिव ट्रेड आ जाए किसी का पॉपुलेशन के अंदर, वॉट विल यू डू। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि इसके लिए लॉस की जरूरत क्यों है। और एडवांसमेंट अगर इंडिया में बात करें तो डेफिनेटली हमने सिकल सेल एनीमिया जैसी समस्या को भी दूर किया हुआ है, ट्रीट कर रहे हैं हम इसी की मदद से, या हम एडिटेड जीनोम बनाना बना रहे हैं ताकि उसकी न्यूट्रिशियस क्वालिटी, पैथोजन रेजिस्टेंस वगैरह बढ़ जाए, ठीक है। अब कार्ट, यानी कि कार टी सेल थेरेपी समझ लो क्या होता है। पहली बार आपका कार टी थेरेपी इंडिजिनियसली IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल ने हमारे यहाँ टेस्ट की है पेशेंट्स पे इंडिया के अंदर। अब समझो ये होता क्या है,
जो इसकी रिसर्च है ना नेशनल बायोफार्मा मिशन ने किया है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल ने किया है, और बिराक जो आपका है ना बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये काम करती है। अब कार्टी थेरेपी है क्या? देखो कार्टी थेरेपी का मतलब एक ऐसा तरीका जिसमें ना आप इम्यून सेल जिसको कहते हैं टी सेल्स, उसमें कैंसर आपका फाइट करेगा बाय एडिटिंग इन द लैब। तो टी सेल्स क्या है, एक तरह का आपका वाइट ब्लड सेल्स है जो बेसिकली क्या करता है, अटैक करता है। किसको अटैक करता है? अटैक करता है आपका एंटीजन्स के। एंटीजन समझो क्या होते हैं, एंटीजन्स का मतलब ये होता है कि वो सब्सटेंसेस जो आपके इम्यून सिस्टम को दिक्कत करते हैं ना, समझ रहे हो? तो इसमें एंटीबॉडीज अगर आपके प्रोड्यूस हो रखे हैं तो फिर वो इनके अगेंस्ट लड़ लेती हैं। तो एंटीजन एक सब्सटेंस है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, केमिकल बैक्टीरिया, और एंटीजन मे आल्सो फ्रॉम इनसाइड द बॉडी भी बन सकता है। टी सेल का समझ रहे हो काम क्या होता है, इम्यून सेल की तरह काम करता है, ध्यान रखना, कैंसर को फाइट करता है, इसको वाइट ब्लड सेल का टाइप भी बोला जाता है, किसी भी फॉरेन पैथोजन से ये लड़ता है। तो टी सेल्स आर टेकन फ्रॉम पेशेंट के ब्लड से लिया जाता है, एडिट किया जाता है, और इसी को हम मैनमेड रिसेप्टर भी बोलते हैं कार आपका, और कार एक तरह का स्पेशल रिसेप्टर है, लेबोरेटरी में इसको क्रिएट करा गया था, इट इज़ डिजाइन टू बाइंड टू सर्टेन प्रोटीन्स ऑन कैंसर सेल्स। कार में ही फिर आपका ऐड करा जाता है टी सेल्स, उसके बाद फिर इसको बेटर बनाया जाता है, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कैंसर एंड एंटीजन्स। चेंज टी सेल्स को हम कार टी सेल्स बोलते हैं, कार टी सेल्स आर गिवन बैक टू द पेशेंट्स को दिए जाते हैं। आपके टाइप ऑफ वाइट ब्लड वेसल्स में देखोगे तो ग्रेनुलोसाइट्स होगा और ऑर्गेनोलोसाइट्स होता है। इसमें आपके टाइप्स दिए हुए हैं, लाइक आपके ग्रेनुलोसाइट्स में क्या है, न्यूट्रोफिल है, यूनोसिलोफिल है, बेसोफिल है, लिम्फोसाइट, इस तरह के ना टाइप दिए हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो आपका कार टी सेल होते हैं ना आर देन गिवन बैक टू पेशेंट। तो इसके बेनिफिट क्या है कि वाइल एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट वर्क टूवर्ड्स इंक्रीजिंग लाइफ ऑफ पेशेंट, कार टी टेक्नोलॉजी में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कैंसर को क्योर करने में मदद करती है। तो अनलाइक कीमोथेरेपी नहीं यूज़ करते आप, कार टी जो है ना ओनली वंस टू ए पेशेंट एक बार ज़िंदगी में दिया जाता है, शॉर्ट ट्रीटमेंट टाइम होता है लेकिन इससे रैपिड रिकवरी भी होती है, समझ गए? अगर कार टी थेरेपी से ध्यान रखो, तुम साइंस से जितना घबराते हो ना, अगर साइंस की एक्चुअल तुम्हें पता चल गया ना कॉन्सेप्ट वगैरह, आई एम टेलिंग यू साइंस के क्वेश्चन तुम्हारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएंगे rather than other subjects, बस थोड़े से concept समझ लो, मज़ा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है? और इसके बाद आते हैं हम जीनोम सिक्वेंसिंग में। तो देखो रिसेंटली ना एक पब्लिश रिसर्च आई, इंटरनेशनल टीम ने डिस्कवर करा पहला एवर सिक्वेंसिंग ऑफ ए कंप्लीट ह्यूमन जीनोम, ठीक है? तो कई सारे प्रीवियस एफर्ट लगाए गए और उसके बाद बोला गया कि भाई इस एफर्ट लगाए जाए टू सिक्वेंसिंग वॉज इनकम्प्लीट एज डीएनए टेक्नोलॉजी जो है आपके कुडंट रीड अबाउट 8% ऑफ द जीनोम। तो जीनोम सिक्वेंसिंग क्या होता है, एक तरह का ना डेसिफर करना, यानी कि ऑर्डर ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को डेसिफर करना, निकालना बेसिस ऑफ जीनोम्स को निकालना, डेट इज जो आपके एडेनाइन है, साइस्टाइन है, ग्यूटेनाइज है, ये थाइमाइन है, सारे के सारे ना आपके डीएनए को बनाते हैं। सुन रहे हो, ध्यान से सुनना, जीनोम को यानी कि डीएनए को बनाने के लिए ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जीनोम एक तरह का ना ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए है, इसमें सब तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं विच हाउसेस डीएनए, जीन्स, इन सारा कुछ करते हैं। ह्यूमन जीनोम के अंदर ध्यान रखना 3 मिलियन बेस पेयर्स हैं, ठीक है? जीनोम सिक्वेंसिंग की जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवोल्यूशन एंड बायोलॉजी, जीनोमिक कॉजेज रेयर डिजीजेस, ये सब में यूज़ होता है, जेनेटिक म्यूटेशन, वायरस इवोल्यूशन स्प्रेड, इसका कैसे होता है उसमें अप्लाई किया जाता है ये, ठीक है? जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि देखो इंडिजन प्रोग्राम है, यानी कि एम्स टू अंडरटेक हूज होल जीनोम सिक्वेंसिंग 2000 इंडिविजुअल इंडियन रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स, ठीक है? जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, इसमें 10,000 जेनेटिक सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है और फिर रेफर किया जाता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी है, आपने क्लास 12th की अगर किताब पढ़ी हो तो उसमें भी दिया हुआ है, ठीक है? अब समझो जीनोम सर्वेलेंस क्या होता है। तो विद आउटब्रेक्स ऑफ सेवरल पैथोजेंस एंड देयर वेरिएंट्स, जैसे कि COVID-19 था, मंकी पॉक्स था, है ना, रिसेंट ईयर में द नीड टू बिल्ड अ सस्टेनेबल सिस्टम फॉर जीनोमिक्स सर्वेलेंस इज फेल्ट। जीनोमिक्स क्या होता है, देखो जीनोमिक्स का मतलब है इंटायर स्टडी करना, ऑर्गेनिजम्स के जीनोम के बारे में जानना। जेनेटिक्स में क्या होता है, आपका स्टडी ऑफ हेरिडिटी के बारे में जानना। उसके बाद जीनोमिक सर्वेलेंस क्या होता है, देखो जीनोमिक सर्वेलेंस का मतलब होता है कि आप कॉन्स्टेंटली ना पैथोजेंस को मॉनिटर कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, क्या सिमिलैरिटी आई, क्या डिफरेंसेस आए,
अब इससे क्या होगा फायदा, आप डिजीज को मॉनिटर कर पाओगे, पैथोजेंस को कंट्रोल कर पाओगे, इंटरवेंशन करोगे, है ना, काउंटर मेजर्स लेके वैक्सीन वगैरह बनाओगे। तो जीनोमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गाइस, अंडर एस्टिमेट मत करना कभी, मेडिकल पर्पजेस के लिए यूज होता है, ठीक है, हेल्पिंग टू ट्रीट जीनोमिक डिसऑर्डर्स को, इन्फेक्टियस डिजीज को जानना, बायोलॉजिकली मेडिकल रिसर्च है ना, अदर्स फॉरेंसिक साइंस वगैरह में यूज होता है। क्या इंडिया में भी है? हाँ जी बिल्कुल है, रीजनल जीनोमिक सिक्वेंसेज लाइब्रेटरी है, इंडियन सार्स CoV-2 ये वाली है, तो मतलब काफ़ी सारा इसमें हमारा दे रखा है। उसके बाद हम करते हैं क्लोनिंग क्या होता है। तो देखो क्लोनिंग क्यों रहा यहाँ पर, चाइना है सक्सेसफुली क्लोन द वाइल्ड आर्कटिक वॉल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। तो क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, कॉपी करना मटेरियल को जिसका कि सेम जेनेटिक मटेरियल रहे एज द ओरिजिनल, रेफर टू क्लोन। क्लोनिंग का मतलब है आप जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज को प्रोड्यूस कर रहे हो, उसका जीन सेल टिश्यू ये सब बना रहे हो, आइदर बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल मींस, नॉट आइडेंटिकल, ध्यान रखना। डिस्पाइट हैविंग द सेम जेनेटिक मटेरियल, क्लोन एकदम आप सोचो कि एकदम सेम टू सेम होगा, ऐसा नहीं होता है। एनवायरनमेंट भी प्ले करता है क्योंकि रोल, तो मैमल जैसे कि ह्यूमन है, आइडेंटिकल ट्विन्स हो गए, मोनोजायोटिक ट्विन्स है ना, नेचुरल क्लोन्स हो गए, तो ऐसा किया जाता है। तो ध्यान रखो क्लोन में ना आपका एप्लीकेशंस कहाँ है, आपकी डिजीज की स्टडी में, एक्सटिंक्ट स्पीशीज को जानने में, रिक्रिएट करने में, है ना, मोर मिल्क और मीट निकालने में, एम्ब्रो प्रोड्यूस स्टेम सेल को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल किया जाता है ये, तो ध्यान में रखना। उसके बाद आता है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के बारे में, कहाँ पर है, कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, फरीदाबाद हरियाणा में यूज करा गया है। IBDC यानी कि इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर जो है आपका IT प्लेटफॉर्म है जो बायोलॉजिकल डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है, डेवलप करना, शेयर डेटा करना, क्वालिटी परफॉर्म करना, वेब टूल्स को बेस करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना। तो पहला आपका लाइफ साइंस डेटा रिपोजिटरी बना है। तो एज पर बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस जो कि लास्ट ईयर रिलीज किया गया, IBDC ने मैंडेट किया है आर्काइव ऑल लाइफ साइंस डेटा जनरेटेड फ्रॉम पब्लिकली फंडेड रिसर्च इन इंडिया, ठीक है। एस्टैब्लिश कहाँ हुआ है ये, रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। कहाँ पर है स्टोरेज है, डिजिटाइज डेटा विल बी स्टोर्ड ऑन 4 PB सुपर कंप्यूटर ब्रह्म में। तो सपोर्ट कौन करता है इसको, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसको सपोर्ट करता है। तो इसमें ना फेयर यूज करा जाता है, यानी कि फाइंडेबल, एक्सेसिबल, इंटरऑपरेबल एंड रियूजेबल प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। बायोटेक प्राइड का ध्यान रखना, बायोटेक प्रमोशन रिसर्च इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिलीज करता है इसको, इसमें सार्स CoV ये सारे सिक्वेंस किए जाते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब अच्छा इसमें कुछ रिलेटेड टर्म्स भी हैं, बायोलॉजिकल डेटा का मतलब क्या, सारी इन्फॉर्मेशन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड होती हैं। अब इसमें एड करना मॉडर्न रिसर्च को, सिक्योर करना डेटा को, जूनोटिक डिजीज को स्टडी करना, थेरेपीज का इस्तेमाल करना, तो ये सारा का सारा होता है। याद रखना महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूव किया था जीन बैंक प्रोजेक्ट को, ठीक है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है गाइस, लेकिन पेपर में आ जाएंगी तो इट बिकम्स बिग फॉर यू, है ना, तो वो हमें ज़रूर ज़रूर ध्यान रखनी है। IT एंड कंप्यूटर के लिए गाइस हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, इतना रिवाइज करते रहो। कहीं भी आपको लगता है प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ लेट अस नो। थैंक यू सो मच, कीप लाइकिंग टू आवर चैनल।